तो गाइस बहुत सारे बंदे का कमेंट आ रहा है कि ऑक्टोपस ऐप से खेलने से बहुत सारे बंदे का एम जो है वो चिपकता नहीं है एनिमी एनिमी पर एम जो है वो लॉक होता नहीं है अच्छी तरह से। तो हम कैसे हेडशॉट मारे कैसे बॉडी शॉट मारे कुछ पता नहीं चलता गाइस। बहुत सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है ऑक्टोपस ऐप में। तो इसीलिए गाइस वीडियो पे बने रहिए, इसका सॉल्यूशन मैं आज लेके चला आया हूँ 100% टिप्स एंड ट्रिक के साथ 100% वर्किंग गाइस। इस चैनल पे इसी रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो गाइस इसका सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कमेंट के लिए गाइस, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना गाइस। तो ठीक है वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना है अपने होम स्क्रीन पर गाइस, ठीक है। यहाँ से हम इसको गेम को बैक कर लेते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। अपना होम स्क्रीन पर आने के बाद गाइस आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पे जाना होगा गाइस, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखना है वीडियो को। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन होगा गाइस, ठीक है। एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन होगा, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस हम ये जाएंगे यहाँ पे सीधे या नीचे डेवलपर ऑप्शन करके एक ऑप्शन होगा गाइस, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन आपका मोबाइल पर कहाँ होगा आपका सेटिंग से हिसाब से मिला लेना गाइस। ये डेवलपर ऑप्शन में जाना, जाने के बाद गाइस यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना, ऊपर से स्क्रॉल करते जाना, स्क्रॉल करते जाना। स्मॉलेस्ट विथ करके एक ऑप्शन है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलेस्ट विथ करके एक ऑप्शन है मेरे पे, इसमें हम क्लिक कर देंगे गाइस, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस ये मेरा जो स्मॉलेस्ट विथ है वो 400 है, 400 जो और बहुत ही सेंसिटिविटी हाई वाला सेंसिटिविटी है गाइस, ठीक है। मेरा हाथ ऑलरेडी बैठा हुआ है इसलिए मैं इसमें 400 DPI में खेलता हूँ। आपको ये नया नया सीखते हैं ऑक्टोपस में, आपको इसीलिए 320 करना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे इसको कट करके आपको 320 DPI रखना है गाइस, ठीक है। तीन सौ बीस DPI रखने के बाद गाइस यहाँ से हमको राइट में क्लिक कर देंगे, उसके बाद देन हमको फिर से बैक चले जाना है अपने गेम के अंदर ऑक्टोपस के अंदर, हमको फिर से चले जाना है। अब जो है गाइस हम ऑक्टोपस के अंदर गेम में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेन सेटअप करना होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे मेन सेटिंग जो है यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा गाइस, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से सेंसिविटी का ऑप्शन होगा, सेंसिविटी जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेंसिविटी जो है जनरल रेड डॉट 2x स्कोप, इसको सबको गाइस हमको लो कर देना है गाइस, बहुत ही लो कर देना है। आपको कुछ भी प्लस पे रखना नहीं है, इसको सबको माइनस कर देना, सबको जीरो पे रखना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम सबको इसको जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद गाइस यहाँ पे कट कर लेना, कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गाइस ऑक्टोपस का जो लोगो है यहाँ पे मेन पॉइंट है गाइस, ठीक से देखना देखना गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्टोपस का लोगो है यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन हम आपको ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एक सेटिंग वाला ऑप्शन होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे POB स्पीड करके एक सेंसिविटी होगा, देख सकते हो यहाँ पे POB स्पीड, इसको हमको यहाँ पे रखना नहीं है गाइस, ठीक है। आपको हाई भी रखना है, लो भी नहीं रखना है गाइस, इसको आपको हाई भी यहाँ पे नहीं रखना है, इसको आपको मिडिल में भी नहीं रखना है, इसको आपको माइनस कर देना है गाइस, ठीक है। एकदम जीरो कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। याद रखना गाइस ये माउस का सेंसिटिविटी है गाइस, ठीक है। इसीलिए आपको ये जब हाई होता है ना गाइस, तो इसीलिए आपका जो एम है वो एनिमी में चिपकता नहीं है, हेडशॉट लगता नहीं है, सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इसलिए गाइस आपको इसको बहुत ही माइनस पे रखना है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखना है यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ ऊपर क्लिक कर देंगे गाइस। तो गाइस अभी हम जाएंगे सीधा ट्रेनिंग मोड में गाइस, ठीक है। ट्रेनिंग मोड में जाकर चेकअप करते हैं कि ये बिल्कुल सेटअप जो है हमारा सेटिंग जो है वो हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे सीधा ट्रेनिंग मोड में चला जाएंगे हम। तो गाइस ट्रेनिंग मोड पे आने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको करना है, लास्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको ये माउस का एरो जो है ना इस पर सेटिंग करना है गाइस, ठीक है। इसको हम आसान से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है। ये जो आप माउस जब खेलते हो, फ्री फायर जब खेलते हो, यहाँ पे जब मूवमेंट दिखाते हो गाइस, माउस को जब ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, ज़्यादा हिलाते हो इधर उधर गाइस, ज़्यादा स्क्रॉल और स्वाइप अप करते हो माउस को, तो ये ऑटोमेटिकली सेंसिविटी जो हाई हो जाता है गाइस। आप जितना देर तक खेल सकते हो गाइस, वो सेंसिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है अपने आप गाइस, ठीक है। इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है गाइस।
तो गाइस जब आपका सेंसिविटी बहुत ही हाई हो जाता है, जब आपका एम जो है एनी पर चिपकता नहीं, तो आपको एक टिप्स एंड ट्रिक दूंगा मैं, वो आजमाना गाइस ठीक है। जब आपका सेंसिविटी बहुत हाई हो जाता है तो एरो का जो एरो है ना, माउस का एरो, जिस बॉटम से आप एरो को लाते हो उस एरो को है ना, उस बॉटम को आसानी से एक बार क्लिक कर देना, उसके बाद फिर से रिमूव कर देना एरो को, देखना आपका सेंसिविटी में बहुत फर्क आएगा। ऐसे हमको वापस लाना है, फिर रिमूव कर देना, देखना फिर से आपको सेंसिविटी है वो नॉर्मल में आ जाएगा गाइस ठीक है। इस तरह से क्लिक करते रहना, क्लिक करते रहना, दो बार क्लिक करने से आपका रिमूव हो जाएगा। एक बार वापस लाना माउस को एरो को, उसके बाद फिर से उसको हटा देना गाइस ठीक है। इस हिसाब से आपका खेलोगे तो आपका सेंसिविटी कभी नहीं हाई होगा गाइस ठीक है। देख सकते हो अभी मेरा फिलहाल सही चल रहा है, देखो एकदम से आसान से बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो चल के देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एम जो है हमारा, एम जो वो एनिमी में चिपकता है या नहीं, देखते हैं जो सेंसिविटी का प्रॉब्लम है हमारा वो ठीक हुआ कि नहीं, देखते हैं। अब जो हमारा ये एम है बिल्कुल चिपक रहा है गाइस ठीक है, देख सकते हैं। ये एरो जो है ना, माउस का एरो, उसको हमको लाना है फिर उसको रिमूव कर देना। इसी तरह से आप खेलने से आपका सेंसिविटी कभी नहीं आएगा, आप नॉर्मल प्ले गेम प्ले आसानी से स्मूथली गेम प्ले कर सकते हो। तो हम देख सकते हैं हमारा जो है ये एम है, आप बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में, इधर उधर नहीं हो रहा है। या मेरा गेम प्ले देखना गाइस ठीक है। एम जो है ना मेरा, वो बिल्कुल एनिमी में जाएगा अभी, बाहर एनिमी के बाहर नहीं जाता है अभी। देखो पहले से बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है एम में गाइस, सेंसिटिविटी बहुत ही इंक्रीज़ हुआ। पहले क्या होता था, एम जो है एनिमी में चिपकता नहीं था, अब देखो बिल्कुल हेड में जा रहा है गाइस ठीक है। तो गाइस ऑक्टोपस ऐप में फ्री फायर खेलने के लिए यार कोई भी परेशानी आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है गाइस, तो मुझे कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट को चेक करूंगा गाइस ठीक है, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करता रहूंगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मैंने लगता है बहुत ही। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस ठीक है, बाय बाय।